नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और मैं इस समय हूं महाकाल की नगरी उज्जैन में। आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो महाकाल लोक, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, ये उसकी एक रात पहले का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस समय मैं उज्जैन के एक पुल के ऊपर हूं जो महाकाल मंदिर तक जाता है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, इसको आजकल बंद कर दिया गया है, आज केवल सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन जो मेन गेट है उस महाकाल लोक का, वो पीछे दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि पुल के ऊपर किस तरह से ये दियों को लगाकर पूरे नगर को एक तरह से सजाया गया है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए पूरे उज्जैन के लोग उत्साहित हैं। और उनका कहना है कि उज्जैन की धरती पे यूं तो नरेंद्र मोदी जी पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी जी की पहली यात्रा है उज्जैन की। और इस उज्जैन की यात्रा में इस बार जो वो उज्जैन वासियों को सौगात देने वाले हैं, वो खाली उज्जैन के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने जा रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह का, जिसको अंग्रेजी में कॉरिडोर बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है महाकाल लोक का। क्योंकि यहाँ महाकाल को चित्रों के द्वारा से दर्शाया गया है कि उनके जन्म से लेकर के और उनका गुरु, फिर शिष्य परंपरा और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, तो उसको पूरा चित्रण किया गया है। देवी देवताओं के बारे में चित्रण किया गया है और भगवान शिव की नृत्य की अलग अलग मुद्राओं को दर्शित किया गया है। कुल मिलाकर के ये लगभग 600 करोड़ रुपए का एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। अभी फेस वन बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे। और इस बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। और इसमें आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ हमने जो दिन में लोगों से बात की है, उन लोगों का कहना ये है, उज्जैन वासियों का कहना ये है कि जो यहाँ शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है, तब से मध्य प्रदेश का विकास काफ़ी हुआ है। और जैसा उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक मामा के रूप में रही है, उसी की शिक्षा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। यहाँ पर जो विद्यालय हैं उनके सुधार के लिए काफ़ी काम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, सड़कों का काम काफ़ी किया गया है और विद्युत व्यवस्था में सुधार किया गया है। अब जो ये आध्यात्मिक नगरी का विकास है, इसको लेकर लोगों का कहना है कि जो शिवराज सिंह चौहान की ये प्राथमिकता रही थी, जिसके कारण उन्होंने हमेशा उज्जैन के विकास पर ध्यान दिया है, और अब जो ये कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे, ये महाकाल लोक, इस महाकाल लोक के तैयार होने से यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। और टूरिज्म बढ़ने से सीधा सीधा लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है, उज्जैन निवासियों को मिलने वाला है। और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कोई टैक्सी ड्राइवर है, होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, बाकी जो गरीब तबका भी है, कोई फूल बेचता है, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती बेचता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है इससे। अभी भी यहाँ देश और विदेश के लाखों लोग यहाँ नित्य प्रति आते हैं, लेकिन इस महाकाल लोक के बनने से दुनिया के लोगों की संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। और ये इसकी जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँगा कि इसका श्रेय जाता है, वो यहाँ के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको जाता है। क्योंकि उन्होंने इस विज़न को ध्यान में रखा और उन्होंने ध्यान किया कि किस तरह से महाकाल की नगरी में जो उज्जैन महाकाल जी का मंदिर है, इसके आसपास किस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाए, किस तरह से जो शिव के भक्त हैं उनको अच्छी अनुभूति कराई जाए। और उसके लिए आपको बताएं, इनिशिएटिव लिया राज्य की सरकार ने। और उसका इनिशिएटिव लेने का आप कारण देखिए कि यहाँ पर रुद्र सागर है, और रुद्र सागर को फेस वन में जो बनाया गया है, कितना इस पर डेवलपमेंट का काम किया गया है कि यहाँ पर जो रुद्र सागर था, पहले बताते हैं लोग कि ये जो है यहाँ पानी था, ठहरा हुआ पानी था, उसमें बदबू आया करती थी। और लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि जैसे वो जो है शिप्रा नदी को जोड़ते हुए उसी के जल का दर्शन और पान कर रहे हैं। लोगों की भावना है और लोग कहते हैं कि ऐसी राष्ट्रवादी और सनातनी सरकार ये राज्य में आई है, तब से इस राज्य की सूरत ही बदल गई है। और हमने ये भी देखा है कि शिवराज सिंह चौहान, आप देखें कि जिस तरह से बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जी को याद किया जाता है, ठीक इसी तरह जो शिवराज सिंह चौहान है,
उन्होंने भी राज्य के अंदर जब भी कभी इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले लोग या जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी सोच के लोगों ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की है जो यहाँ राज्य की व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी शिवराज सिंह चौहान ने की है। यानी उन्होंने बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान जहाँ एक तरफ मामा की छवि उनकी है, एक पालक के रूप में है, वहीं वो एक बहुत ही सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में या यूं कहें राजनीतिक के तौर पर काम करते हैं। और उसका नतीजा यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद से काफ़ी इसमें परिवर्तन आया है। आज लोग कहते हैं कि पुलिस का सिस्टम काफ़ी बदला है, ट्रैफिक सिस्टम काफ़ी बदला है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा जो शहर है उज्जैन, पहले और अब में, आज के जो पहली सरकारें थी उसमें और अब में हमने लोगों से बात की है, उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आज की सरकार के समय में हमें देखने को मिल रहा है। इसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि ये जो महाकाल लोक है इसके बारे में लोगों का क्या कहना है। क्या नाम सर आपका? सर राजेश पवार नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन का निवासी हैं। उज्जैन के निवासी हैं। तो क्या कह रहे हैं, महाकाल लोक का उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं कल, इसको लेकर के शहर में कैसा उत्साह देख रहे हैं? सर दिवाली के पहले दिवाली बना दी गई है जी, और उज्जैन शहर पे तो ऐसा हुआ जैसे धरती पर स्वर्ग उतर गया हो जी। इस महाकाल लोक को इस प्रकार से बनाया है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा है। और ये सब मोदी जी के कर कमलों से, शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, आप ये समझते हैं राज्य में भी जैसे शिवराज सिंह जी की सरकार है, इसके आने का क्या फ़र्क पड़ा इसमें माहौल में और मंदिर के आसपास और उज्जैन में? सर फर्क तो क्या है, काफ़ी समय का प्रोजेक्ट था, काफ़ी सालों पुराना प्रोजेक्ट था, ये पुरानी सरकारों के समय के प्रोजेक्ट था, पर वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं इसका श्रेय हमको जाता है, हमारी योजना में कमलनाथ जी ने इसकी घोषणा की। अपन कोई पार्टी नहीं है, जनता है, जनता ना कांग्रेस कहेंगे ना बीजेपी कहेंगे जी। हम तो इतना कहेंगे जो पुराने लोग नहीं कर पाए, पुरानी सरकार है जो भी बैठा था उस समय नहीं कर पाए, जो इस सरकार ने करके दिखाया है। महाकाल ही नहीं, हमारे भारत के इतना बड़ा ऐतिहासिक मंदिर राम मंदिर जो अयोध्या में है जी, 500 साल से जिसका निर्माण नहीं हुआ था, जो अधूरा ही था जी जी, उसका निर्माण करके मोदी जी ने मतलब पूरे देश में नाम रोशन कर दिया उस चीज का जी जी जी। काफी अच्छा लगा, आगे भी हम लोग चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार ही हो, और जो जो अधूरे काम है पूरी दुनिया में, उज्जैन ही नहीं पूरी दुनिया में, वो अधूरे कार्य पूरे हो। लोग जिस प्रकार से चाहते हैं कि मोदी जी को, उस प्रकार से वो उभर के सामने आए। बस आपका मतलब है कि घोषणाएं तो पहली सरकारों ने भले ही की है लेकिन काम शिवराज जी की सरकार में जी, घोषणाएं तो करी, खैर काम तो उन्होंने भी किए, अपनी अपनी जगह सभी ने कार्य किए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो भी पद पर बैठता है कार्य तो करता है, परंतु इस बार जो कार्य हुए हैं वो सराहनीय है और वास्तविकता में बहुत अच्छे काम हुए हैं जी जी जी। आपका क्या नाम है सर? महेश कुमार सूर्यवंशी। कहाँ रहते हैं? यही इसी कॉलोनी। अच्छा, यही कॉलोनी में। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो काम हो रहा है इससे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, सोचा ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं उज्जैन के अंदर महाकाल के अंदर आकर और इतना बड़ा कार्य करेंगे, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। इससे आपका क्या भला होने वाला है आपको? हमारा तो ये है साहब, गरीब आदमी पहले भी रोजगार करते थे, अभी और बढ़ गया उससे, थोड़ा रोजगार हो गया, वेटर हो गया, कि भाई पहले 10 रुपए कमाते थे अब 25-50 मिलेंगे, तो जनता काफी आएगी देखने को, तो हमारा भी रोजगार बढ़ेगा और हमारे साथ भाई बहन वो जो भी है जो छोटे। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? श्रेय श्री प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूँ पवन त्यागी और मैं इस समय हूँ उज्जैन महाकाल की नगरी में। हम यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे बात करेंगे कि ये जो महाकाल लोक का लोकार्पण मोदी जी करने के लिए आ रहे हैं इससे उज्जैन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नेता हैं सलीम जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के महासचिव जिला महामंत्री हैं, इनसे बात करते हैं। तो सलीम जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा उत्साह है, लेकिन हम तो बाहर के हैं, आप बताइए यहाँ उज्जैन वासियों में कितना उत्साह इसको लेकर है? इसके लिए तो साहब मैं बयान नहीं कर सकता कितना उत्साह है। आज हम देखेंगे तो पूरा उज्जैन को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर नागरिक में जो है एक उत्साह है, त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली से पहले ही आज दिवाली हो गई है।
इसका उज्जैन के लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? सर, आने वाले समय में ये लोकार्पण होने की वजह से महाकाल लोक का जो लोकार्पण होने वाला है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पर पर्यटन का स्तर बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अभी दर्शनार्थी कम आते हैं, लेकिन इस वजह से पूरे विश्व मतलब अभी तो MP या अपने भारत नहीं, अभी तो पूरा विश्व का लोग यहाँ पर जो है भ्रमण करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे। सर, आपका मतलब है यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को भी फायदा होने वाला, रोजगार बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों की जो है काम करने की क्षमता बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है पलायन यहाँ पे आएंगे दोबारा रोजगार करने के लिए बाहर से भी। अच्छा, जैसे आप अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं और इस समय हम जो हैं ये मुस्लिम बहुल एरिया में ही खड़े हैं, तो मुस्लिम वर्ग का क्या कहना है इस बात को लेकर? मुस्लिम समाज में भी बहुत काफ़ी उत्साह है साहब, सब लोग बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, और सब ये चाहते हैं कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी यहाँ पर आएँ और आकर के कुछ ऐसी तोहफा दे के जाएँ उज्जैन वासियों के लिए और पूरे नगर के लिए, एक इतिहास बन जाए कि यहाँ मोदी जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ कुछ जनता को तोहफा दे के गए। तो इसका चुनाव में, आने वाले चुनाव में आप समझ रहे हैं कि क्या भाजपा को कोई फ़ायदा मिलने वाला है? बिल्कुल साहब, भाजपा का क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरे देश के क्या, अभी तो पूरे विश्व के नेता माने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पे आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं, तो इससे मतलब भाजपा बहुत ज़्यादा संगठन मजबूत हो जाएगा यहाँ। मुस्लिम कम्युनिटी का BJP को लेकर या मोदी जी और शिवराज सिंह को लेकर क्या रुख है? बहुत अच्छे है साहब, सब लोग अच्छे से मिलजुल के हम लोग काम करते हैं संगठन का, और संगठन भी हमें हर तरह से सहयोग करता है सब। अच्छा, मतलब ऐसा कोई भेदभाव वाली बात किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है साहब, किसी तरह का भेदभाव। कम्युनिटी का आप देख रहे हैं कि झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल साहब, पहले जो 5% था, अब जो है कम से कम ये मैं समझता हूँ 40% जो है झुकाव मतलब वोट हो गया है इसके अंदर। जो शिवराज सिंह जी की सरकार है यहाँ, उसके काम से आप मुस्लिम कम्युनिटी में कितना उसका बताते हैं कि मतलब क्या असर है, क्या उनका रुख है, क्या कहना है? भाई साहब, ये मुस्लिम कम्युनिटी का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी हो या शिवराज जी हो, सभी नेता जो है मतलब सपोर्ट करते हैं और सब लोग समाज के लोग भी उनके प्रति विश्वास रखते हैं सब। जी, और ये विश्वास हम चाहते हैं कि हमेशा कायम रहे और हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे और पूरे विश्व में इसका एक यहाँ से पैगाम जाना चाहिए कि सब मोदी जी यहाँ पर आए थे और मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह से उत्साह मनाया कि जिस तरह से दिवाली और ईद का पर्व मनाया जाता है सब। जी, अभी आप गुजरात में चुनाव है अभी और मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ अच्छे खासी वोटर की संख्या में है, आपके जानने वाले वहाँ रहते हैं, क्या गुजरात में देखते हैं कि आप किस तरह से देख रहे हैं गुजरात, किसकी केजरीवाल की सरकार जैसे दावा कर रही है केजरीवाल की सरकार बनेगी, आपका क्या कहना है? नहीं साहब, ये तो सब पार्टियाँ अपनी अपनी मतलब तारीफ करती है, लेकिन हमें तो ये विश्वास है साहब के वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम कई सालों से कई वर्षों से लहरा रहा है और इस बार भी हम दुआ भी करेंगे कि हर तरह से मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत हो और उसका परचम लहराता रहे और हमेशा उस पर जीत होती रहे।